गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज डेट है हमारी 13 जुलाई। कल हमने क्वेश्चन कर चुके थे हम 1 to 7। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो सिंपलीफाई है, वो आप खुद ट्राई करना। आज हम एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 छोड़ना नहीं है, वो आपको खुद ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है सॉल्व फॉर एक्स, मतलब कि एक्स की वैल्यू निकालनी है। आपके पास गिवन है 3 की पावर 2x मल्टीप्लाई 3 की पावर x + 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 - x इज इक्वल टू में √3 की पावर 10। क्लियर है? जब बेस सेम है और मल्टीप्लाई है तो पावर सारी क्या हो जाती हैं? ऐड। पहला स्टेप क्लियर है? मैंने पावर क्या कर दी? ऐड कर दी। ये रूट है, रूट का मतलब पावर क्या होती है? 1/2। और बाहर कितनी पावर है? 10। पावर की पावर क्या होती है? मल्टीप्लाई। 2 1 2 2 5 10, मतलब 3 की पावर क्या बच गई? 5। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? लेफ्ट हैंड साइड तो पावर ऐड कर दी और राइट हैंड साइड रूट 3 को खोल के लिखा 1/2, फिर पावर की पावर क्या कर दी मैंने? मल्टीप्लाई। ठीक है, अब क्या देखा मैंने? दो चीजें सेम है, दोनों का बेस सेम है, तो पावर भी क्या होंगी? सेम होंगी। मतलब 2x + 7 इक्वल किसके होगा? 5 के। 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5। प्लस का 7 राइट साइड जाएगा, माइनस का 7। 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 माइनस 7 क्या होता है? माइनस का 2। 2 मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा? डिवाइड में। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी? -1। क्वेश्चन नंबर 10 एकदम सेम है क्वेश्चन नंबर 9 की तरह। यहाँ पे भी रूट को क्या लिखोगे? 1/2। क्लियर है? जो x की वैल्यू आएगी उसका भी रूट कर देना, वो आपका क्या होगी? आंसर होगी। क्वेश्चन नंबर 11 देखो। देखो क्वेश्चन नंबर 11 जो है मेरा, वो है आपका 49 की पावर a इज इक्वल टू 7 की पावर a + 5, 64 की पावर b इक्वल 2 की पावर 4b + 2। ये क्वेश्चन है, ये 49 है, ये 7 है। 49 को क्या लिख सकते हो? 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 7 7 49 होता है, मैंने लिखा 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 की पावर a + 5। दो चीजें सेम, दोनों का बेस सेम, इसका मतलब पावर भी क्या होगी? सेम। 49 की पावर a थी तो पावर से पावर क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। 2a इज इक्वल टू आ गया a + 5। क्लियर है? 2a - a इज इक्वल टू 5। a की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 5 आ गई। b की देखो, 64 को क्या लिख सकते हो? 64 का एलसीएम लिया, 1 2 3 4 5 6 2 आए, मतलब 2 की पावर 6। मैंने वही लिखा, 64 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 2 की पावर 6। तो मैंने लिखा यहाँ पे 2 की पावर 6, बाहर क्या है? b इज इक्वल टू 2 की पावर 4b + 2 है। पावर की पावर है तो पावर क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई, मतलब ये क्या हो जाएगा? 6b। क्लियर है यहाँ तक? दो चीजें सेम, दोनों का बेस सेम, तो पावर भी क्या हो जाएंगी? सेम हो जाएंगी। क्लियर है? 4b प्लस का है, लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो किस में आएगा? माइनस में आएगा, मैंने माइनस कर दिया। 6b में से 4b गए तो 2b इज इक्वल टू 2। बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2/2, मतलब कि बी की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 1। लेकिन आपको निकालना क्या है? निकालना क्या है वो देखना। आपको निकालना है 2 की पावर a + b, ये निकालना है ना। 2 की पावर a कितना है? 5। प्लस में b कितना है? 1, मतलब 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 क्या होती है? 64। ये चीज देखो मैंने यूज भी की, आंसर क्या होगा आपका? 64। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, फाइंड द बिगेस्ट अमंग ऑफ द फॉलोइंग, इन में से कौन सा बड़ा है ये देखना है। क्या है पहला? 2 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/3, 6 की पावर 1/6, 8 की पावर 1/8। पहला स्टेप क्या है मेरा? डिनोमिनेटर सेम कर लेती हूँ, जो पावर में डिनोमिनेटर है ना सबका, वो सेम कर लेती हूँ। सबका डिनोमिनेटर सेम, मतलब कि आप एलसीएम लेके देखो क्या आएगा? 24। मतलब सबका डिनोमिनेटर में क्या बनाऊं? 24। ये 2 है, 24 बनाने के लिए 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, 12 से डिवाइड। क्लियर है? ये 1/3 है, 3 का 24 बनाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई, 8 से डिवाइड। 6 है अगर 1/6 तो 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड। 8 है तो 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड। कोई डाउट है यहाँ तक? इस स्टेप में किसी को दिक्कत है? 24 डिनोमिनेटर बनाना था, तो जिससे डिनोमिनेटर बनता वही न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई, वही डिनोमिनेटर में। अब देखो 2/12 की पावर 1/24 बन गई, 12 मल्टीप्लाई 2 24। 3/8 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 1/8 1/24 बन गया। 6/4 है, 1/6 और नीचे डिनोमिनेटर का 4, 24 बन गया।
8 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 1 बाय 3 और 1 बाय 8 की पावर क्या हो जाएगी 1 बाय 24. सबकी पावर क्या बना दी मैंने 1 बाय 24. अब 2 की पावर 12 खोलोगे क्या आएगा 4096. 3 की पावर खोलोगे क्या आएगा 6561. 6 की पावर 4 1296. 8 की पावर 3 क्या होती है 512. इन सबकी पावर क्या है 1 बाय 24 है. सबकी पावर सेम है, मतलब हम यूँ देख लेंगे बेस किसका सबसे ज़्यादा बड़ा है. बेस है 6561 बड़ा, मतलब ये किसका बेस था 3 की पावर 1 बाय 3 का. तो बड़ा कौन है 3 की पावर 1 बाय 3. देखो रूट थ्री क्वेश्चन नंबर 14 ये है, इसकी वैल्यू बतानी है. रूट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की पावर 1 बाय 2, यही होता है. मैंने खोलना शुरू किया इस अंदर वाले से, खोला 3 की पावर 1 बाय 2, फिर बाहर 3 है उसकी इन दोनों की पावर 1 बाय 2 है ना, इन दोनों पे रूट है, देखो इन दोनों पे रूट है. फिर बाहर 3 है फिर उसकी पावर 1 बाय 2, फिर बाहर एक और 3 है उसकी पावर क्या है 1 बाय 2. देखो पहला स्टेप क्या है, मैंने ये रूट खोल के मैंने लिख दिया 1 बाय 2 1 बाय 2 1 बाय 2, ठीक है. ये देखो ब्रैकेट, पहली ब्रैकेट के बाद ये सेकंड ब्रैकेट है, यहाँ तक का सॉल्व करते हैं. ये 3 है 1 बाय 2, यहाँ पे 3 की पावर कितनी है 1 है ना, दोनों मल्टीप्लाई में है, खाली इस इसको लेते हैं, बाहर कुछ भी है वो हमें नहीं मतलब, इस इसको लिया. ये 1 ये 1 बाय 2, बेस सेम है और बीच में किस चीज़ का साइन है मल्टीप्लाई का, तो पावर क्या हो जाएगी ऐड. मैंने पावर क्या कर दी ऐड, यहाँ पे कोई दिक्कत है, पावर ऐड करोगे तो आपका ये स्टेप आ जाएगा 3 बाय 2 है ना. खाली इन दोनों को सॉल्व किया है मैंने, इसको सॉल्व किया है, यहाँ तक कोई डाउट. अब क्या किया, इन ब्रैकेट के बाहर है 1 बाय 2, ये 1 बाय 2 है बाहर, इस 1 बाय 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 बाय 4, ये हो जाएगा, और इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, 3 की पावर क्या है 1. क्लियर है यहाँ तक, फिर ऐसे ही अगला स्टेप होगा, क्लियर है. देखो ये स्टेप आ गया यहाँ तक 3 बाय 2 आ गया. अब ये 1 बाय 2 अंदर लिया, तो 1 बाय 2 अंदर लिया तो 3 बाय 4 हो गया, इस 1 को ऐड कर दिया मैंने, क्लियर है यहाँ तक. आप जैसे जैसे स्टेप वाइज सॉल्व करोगे आपका आंसर आता जाएगा. इस क्वेश्चन का मैं आपको सॉल्यूशन भी दे दूंगी. करना क्या है खाली कि ब्रैकेट पहले शुरुआत होगी, ब्रैकेट की शुरुआत होगी, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है. पहला स्टेप इसको सॉल्व करेंगे खाली, 3 की पावर 3 ये दोनों लिख दिए, इसको सॉल्व किया, 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर है यहाँ पे 1 बाय 2, यहाँ पे 3 की पावर क्या है 1, और इसके बाहर क्या है 1 बाय 2, उसके बाहर है 1 बाय 2, उसके बाहर है फिर 1 बाय 2, यही चीज़ है. मैंने खाली इसको सॉल्व किया जब इन दोनों को, तो ये हो गया 3 की पावर 1 प्लस 1 बाय 2 क्या हो जाएगा 3 बाय 2, मैंने लिख दिया 3 बाय 2 लिख दिया. फिर जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगी 3 की पावर 3 बाय 4, फिर ये वाला 3 ऐड करूंगी मैं इसमें, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 बाय 4 का मतलब क्या है 7 बाय 4, ये 3 की पावर होगी 7 बाय 4, फिर ये 1 बाय 2 मल्टीप्लाई करूंगी 7 बाय 4, सॉरी बाय मिस्टेक लिख दिया, ये 1 बाय 2 मल्टीप्लाई करूंगी तो ये क्या हो जाएगा 7 बाय 8, क्लियर है. फिर ये 1 प्लस 7 बाय 8 होगा, बाहर क्या चल रहा है इसके 1 बाय 2, 3 की पावर क्या हो जाएगी 8 प्लस 7 बाय 8, बाहर क्या है 1 बाय 2, मतलब कि 3 की पावर 15 बाय 8 की पावर 1 बाय 2, मतलब 3 की पावर 15 बाय 16 क्या है आपका आंसर है. क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, √32 + √48 / √8 + √12. √32 को क्या लिख सकते हो 4√2 लिख सकते हो, √48 को क्या लिख सकते हो 4√3 लिख सकते हो, √8 को क्या लिख सकते हो 2√2 लिख सकते हैं, √12 को क्या लिख सकते हो 2√3. मैंने ये वैल्यू रख दी यहाँ पे 4√2 + 4√3 / √2 + √3, क्लियर है. न्यूमरेटर में क्या किया मैंने 4 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया √2 + √3. ऐसे ही डिनोमिनेटर से 2 कॉमन ले लिया, क्या बच गया √2 + √3, ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया आपके पास 4 बाय 2, 4 बाय 2 को कैंसिल आउट करोगे तो क्या आंसर आ गया आपका 2, मतलब इसकी वैल्यू क्या है आपकी